जगह मोटरवे के पास बड़े आप खर्चे करते हैं अपने आप। हम अपने लंडा मिशन पे निकले हैं, ठीक है, और इनके तमाशे तो आप देख ही रहे होंगे। इनकी आदतें शुरू हुई हुई हैं यहाँ पर। बहुत दुख का मकाम ये कि मेरी वैन को चेक करें, शर्मिंदगी होती है। जी आ गई हमारी चाय। Assalamualaikum, welcome to my another vlog. Assalamualaikum. Assalamualaikum. अच्छा जी, अभी हम लोग कहाँ पर हैं? कौन सी जगह? मोटरवे के पास हम अपनी अम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अम्मी? लाहौर। हाँ जी, हम वहाँ पे अम्मी जाएंगी लाहौर, फिर हम वापसी पे अपने इतने काम करेंगे भाई, आपको भी जगह आ जाएंगे। हमने बहुत जगहों पे जाना है, छोटे मोटे काम करने हैं। हमने अम्मी को ड्रॉप कर दी है, अभी हम लोग ऑनवर्ड चकवाल जाते हैं। वहाँ से डिटेल, एक हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट जाना है, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स का चेक कराना है। उसके बाद हम लोगों ने, तुमने क्या लेना है पता नहीं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। मैं चलिए चलिए लूँ। बड़े आप खर्चे करते हैं अपने आप। हम लोगों ने अपनी एक और बहन को भी पिक कर ली है घसीट के, और हम अपने लंडा मिशन पे निकले हैं, ठीक है। एक वीडियो बनानी थी हम लोगों ने मॉडल बाजार की, और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन हमारी अम्मी गैर मौजूद होंगी, हम लंडे में घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे उठेंगे बैठेंगे, क्योंकि अम्मी के साथ तो बहुत इम्पॉसिबल सा वीडियो बनाने का भी मतलब सीन नहीं है, क्योंकि वो उनको बहुत कॉल आती है जरा सीम से। तो अभी बस जाते हैं, देखते हैं वैरायटी के, आपको भी फिर बताते हैं क्या यहाँ पे सीन है। ये काम पे पिनवाल रोड पे है ना, छोटी तो बिल्कुल गर्क हो चुकी है, क्योंकि गाने बंद होते हैं इनकी सांस बंद हो जाती है। बेटा जनरल की आग तुम्हारे लिए वेट कर रही है। मॉडल बाजार वैरायटी आ गई, हम यहाँ पे अभी डिटेल वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं, और इनके तमाशे तो आप देख ही रहे होंगे दोनों। इन्होंने हॉस्टल का लंडे से मर्दा लेना है। क्या मैं पराए घर में इन्वेस्ट अपने पैसों से करूंगी? मैं इनका फिर कुछ दिलवाती हूँ, अगर कोई दिलवाती हूँ तो आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। इसमें कोई शर्म नहीं है, इस बच्ची को तो नहीं है, हमें तो है, लेकिन स्टिल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इनकी आदतें शुरू हुई हुई हैं यहाँ पे। मेरी बहनों के हर तरह के, कई बंदे होते हैं उनको शूज़ पसंद हैं, कई बंदे हैं पर्दे पसंद हैं, इन्हें अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये कहेंगी कि हमें नहीं पसंद। वैरायटी इज गुड वैसे, ले लो, मैं तुम्हें इतना अच्छा स्टाइल करके दे सकती। किनको? मैं बेटा शर्ट पहनती किधर हूँ? हम तो भाई मगरबी नहीं, हम मशरिक की बेटियां हैं, चलो ना, आपकी गाली अंदर जाएंगे मेरे बेटा, गाली गाली नहीं जानवर, चलो तो सही। ये वाला पर्दा कहाँ खूब गया आपके? ये मेरे दिल में खूब गया। ये पर्दा वैसे अच्छा लग रहा है। भाई ने मास्क पर क्या आते हैं, कोई ग्रीन चाहिए था, क्योंकि मैंने पौधे अपने हॉस्टल में ग्रीन लाए हैं, लेकिन ब्लू बीच हो गया। आई लव कलर्स। भरपूर फायदा उठाते हुए हमारी अम्मी की गैर मौजूदगी का, ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे रखो, लेट जाओ पर बैठ जाओ, इन्हीं हाथों से पापड़ खाएं। अगर अम्मी होती तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की माएँ भी ऐसी होती होंगी, बहुत करती होंगी कि इस चीज़ की केयर। मॉडल बाज़ार से तो हम लोग जा रहे हैं, और अच्छी चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो मतलब काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। मेरी बहन को पर्दे तो नहीं मिल रहे अपने हॉस्टल के, क्योंकि वो भी यार 5,000-6,000, क्योंकि बहुत बड़े पर्दे और अच्छे पर्दों की तरफ जा रही थी। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी मॉडल बाज़ार आएँ, आप जुम्मे वाले दिन आएँ, एक तो उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, और उस दिन बहुत सस्ता देते हैं आपको। रश तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा, जैसे जुम्मे को पहले कहते थे ना कि छप्पड़ में, जुम्मे को आना भी है, ये जुम्मे को आएंगी, ठीक है। और बस अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं, अभी कुछ हम लोग कोई देसी सा खाते हैं, कोई लोकल सा खा के, अच्छा सा जिसका टेस्ट अच्छा हो, लेकिन उसके प्राइस बहुत कम, हाँ पैसे कम हो, भी अच्छा हो तो वो भी लोकल, और बस फिर हम घर चलेंगे। एक सिर्फ मैंने USB उठानी है। अच्छा, एक बहुत दुख का मकाम ये कि मेरी USB में मेरे 19-20 ब्लॉग थे, या पता नहीं इससे भी ज़्यादा थे, और वो मेरी सारी ख़राब नहीं, ये यहाँ से उस शॉप से नहीं, वो शॉप से उठानी दी हुई है मैंने, सिर्फ उठानी है तो, हाँ वो भी इधर से उठाएंगे, वही टेक्नो फोन में, अभी नाम मुझे भूल जाता है, हमाद भाई से हम लोग उठाएंगे, वहाँ पर मैंने दी हुई थी अपनी
रिकवर नहीं हो रहे मेरे व्लॉग्स, वो सारे व्लॉग्स मेरे डिलीट हो चुके हैं। मतलब बहुत दुख लगता है जब आपने बहुत सी जगहों के रिव्यू बनाए हुए हों, सेल्स पे गए हुए हों, मतलब वो चीज़ें नेचुरल होती हैं, वो फिर मैंने उनको अब दफाई कर दिया, कर भी कह सकती हूँ। और अभी बस USB उठाते हैं, फिर कुछ खाना खाते हैं, फिर हम घर निकलते हैं। सामने शॉप है लकी ट्रेडर्स के नाम से, होल सेल टेक्नोलॉजी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से मैं लेके जल्दी से आती हूँ। और अतौला तो वैसे ही हमारी शान, हमारी जान, पता नहीं मुझे अतौला इस फिर भी बहुत पसंद है। इनकी आवाज़ में वो दर्द है जो आजकल के बच्चे पैदा होते सार वो दर्द महसूस यार दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आपका। और बस अभी हम लोग यहाँ से, मुझे नहीं USB मिली भाई, अवेलेबल नहीं थे तो फ़ोन, और हमने USB उठानी थी वो तो नहीं मुझे मिली, तो हमने कहा चलो हम लोग कुछ खाना खाते हैं और फिर निकल जाते हैं यहाँ से। चकवाल मौसम आप चेक करें ऐसे, वाह वाह होया वह। ये हलीम प्लेस है, यहाँ से हम हलीम खाएंगे। अभी प्लान हलीम का था लेकिन हमें मिले जो हैं वो चने मिले हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इनके ट्राई करने लगी हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इनका जायका कैसा है। तो ये हम लोगों ने दो लिए हैं, दो चने और पांच नान है ना, शायद छः भी ले लें उसके बाद, और ये साथ इनकी चटनी और सैलड इस तरह आता है, अभी हम खाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वाज सो गुड। और हमारा कितना बिल बना है, हम लोगों ने हाफ चने की प्लेट पैक कराई है, एक प्लेट 160 रुपये की है जी, 160 की प्लेट है। और हमने एक जो मैंने आपको दो बाउल्स दिखाए थे ना, वो जो थे वो एक था, मतलब हम लोगों ने खुद डिवाइड कराया था, तो वो 160 की थी। चने मिला के एक हमने आप घर के लिए रखी, टोटल हमारे 7 नान बने, 7 या 8 नान ठीक है, चटनी सैलड मिला के हमारा टोटल बिल कितना बना है, 380 या 390 कुछ इतना ही बना है। यार मेरे जाना था स्टेशनरी शॉप पे, वो मनास वालों के पास जाना है अभी। हाँ। यहाँ से ही इस साइड से जाते हैं ना, फिर मोड़ लेते हैं। देखिए मतलब आप हमारे साथ निकलते काम पे हैं और फिर हम लोग भटक जाते हैं, हमारे पापा की दो दफ़ा कॉल आ चुकी है, अब हमने बता सीधा जाना अभी मनास वालों के पास जाते हैं। वैसे हम लोग जो सारी स्टेशनरी लेते हैं वो जावेद डिपो से लेते हैं, मतलब उनका है ना, हाँ उनका रेट इज़ सो गुड। लेकिन ये है कि इसको एक पेपर नहीं मिल रहा, कौन सा पेपर है, A3 साइज़ का, एक पेपर चाहिए। मुझे नहीं लगता वैसे वो यहाँ पर भी होगा, लेकिन स्टिल मिनास वालों के पास से हम पूछ आते हैं। हम लोग निकले हुए थे, हमने कहा लगे हाथों पार्लर का भी काम करा लें। हमने क्या करना था, मैंने प्लकिंग करानी थी और क्या पता नहीं करना था, और छोटी मैंने वैक्स करानी थी, मैंने कहा मैं भी करा लेती हूँ। सबसे मुश्किल काम जी पार्लर में वीडियो बनाना होता है, हर तरफ शीशे लगे हुए होते हैं। काम पर हम आए हैं, रुके मैं आपको चेक कराती हूँ। एज़ यूजुअल वही पार्लर है, सिटी स्टाइल ब्यूटी सैलून, काम पर है ये, रेस्क्यू 1122 के बिल्कुल सामने हैं। और उस कमरे की वीडियो नहीं बना सकते हम लोग क्योंकि वहाँ पर अभी रश है, हम लोग अभी वेटिंग में हैं करके, बस पर हम निकलने लगे हैं यहाँ से। प्लकिंग करानी है और छोटी वैन तो कराने लग पड़ी है, वैक्स बिफोर और आफ्टर मेरी छोटी वैन को चेक करें, शर्मिंदगी होती है मुझे। बैग्स के अंदर को क्लिंजर भी है, हैं बैग्स के अंदर को क्लिंजर भी डाल, मुझे लगता है अंदर कोई प्रिज्मा या प्रिज्मा है, कौन सी होती है वो, गोल्डन पर डली हुई है। मैं भी कराऊंगी, खैर मेरे भी आते ऐसे ही बकने लग पड़ेंगे जी। अभी मेरी सच्चाई भी आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो गई है, रंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है वैक्स के बाद और वैक्स से पहले, सो गुड। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर, और चाय पीनी हुई तो पियेंगे वरना हम लोग बस निकलने लगे हैं। सारी चीज़ें मैंने अपनी उठा ली हैं, बैग उठाया ना, बस निकलने लगे अभी हम यहाँ से। पॉलर की लुक है और बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ये वो पॉलर है और ये काम पे है, रुके मैं दिखाती हूँ, ये इसके बिल्कुल सामने है। चलें जी अभी हम चाय पीते हैं, हमारी एक बहन तो चाय नहीं पियेंगी, हम चाय पियेंगे हम तीनों, और चाय पी के बस भीड़ घर जाते हैं, अब और कोई फर्दर नहीं है प्लान यहाँ से। हाँ जी चाय, यहाँ से हमारी चाय आएगी। मैं वैसे बाबा कोयटा हुसैन कैफे की फर्स्ट टाइम में शायद पीने लगी हूँ चाय। बच्ची एक दफ़ा आवाज़ बंद करके अपनी आवाज़ सुनो ना, मेरे कान का क्या कसूर है भाई, इस बच्ची का इतना स्टैमिना है, गाने के साथ खुद जो गाना गाती है अगले का दिमाग ख़त्म कर देती है। चाय कितनी देर में आएगी, अच्छा मैं कई अकेमेंट तो नहीं, अभी हमने सोचा था, मैंने इनकी बहुत सी, मैं इसका प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, इनके पराठे ट्राई करूंगी, कोयटा इधर का कोयटा हम लोगों ने नहीं ट्राई किया, इस्लामाबाद पिंडी और ऐसे और कौन सी जगह पे हमने ट्राई की है पता नहीं, चकवाल में भी, चकवाल में नहीं ट्राई किया हमने, तंदूरी वाले
तंदूरी चाय है ना, कोयटा बाबा हुसैन कैफे तो नहीं ना, दोनों में से कोई भी नहीं किया हुआ। तो चेक इसका प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, मैंने सुना है इनकी डायमंड चाय है, तो कश्मीरी चाय है, वो देखिए ऊपर लगी हुई है ग्रीन कलर की है, वो सारी डिटेल बताऊंगी मैं आपको, कभी चाय दिखाते हैं आपको जो आ रही है। यार ऐसे बच्चे मुझे नहीं समझ आते गाड़ी के पीछे जाने क्यों दिखवाया भाई जी, आ गई हमारी चाय। अच्छा हम लोग बस हाँ अभी घर निकलने लगे हैं, चाय बस नॉर्मल नॉट सो गुड जैसे कोयटा की बाकी जगह पे होती है, मुझे इनकी चाय इतनी अच्छी नहीं लगी। और बस अपना ब्लॉग हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तुम भी बोलो।